हेलो फैमिली, स्वागत है आपका आपको और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद एन के। और मैं हूँ करण कुमार। दोस्तों, जैसा कि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि रिंग रोड से भदोही साइड का अपडेट दीजिए, कितना कार्य हुआ है, तो आज उसी सिलसिले में आ चुका हूँ अपने रिंग रोड से भदोही साइड का अपडेट देने के लिए। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आज शुक्रवार का दिन है और तारीख की बात करें तो आज है 3 तारीख। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और उससे पहले आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं रिंग रोड से भदोही साइड का अपडेट। तो साथियों, अभी हम लोग अपने वाराणसी के आउटर रिंग रोड पर आ चुके हैं, हरंगवाड़ा मतलब आउटर रिंग रोड पे। और यहाँ से आगे चलकर देखेंगे कि जो भदोही साइड रोड का प्रोजेक्ट है उस पर अभी काम लगा है कि नहीं लगा है। तो अभी हम लोग रिंग रोड से भदोही साइड चल रहे हैं और इधर तो फिलहाल में कोई कार्य हुआ नहीं है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पेड़ों की कटाई काफ़ी पहले ही कर दी गई थी। और जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हाँ देखिए यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है। और अभी तो कोई इधर नया काम हुआ नहीं है। और इसी तरह आगे भी चलेंगे, देखेंगे कि जो पेड़ बचे हुए थे वो काटे गए हैं कि नहीं काटे गए हैं, क्योंकि पिछले महीने में जनसा साइड पेड़ों की कटाई का काम लगा हुआ था। और इस प्रोजेक्ट में जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वाराणसी से भदोही तक का ही प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट 3 भाग में है। पहला एक चांदपुर से रिंग रोड तक, फिर रिंग रोड से भदोही तक, भदोही से जो है श्रीयामा होते हुए इसके आगे, उसके बाद फिर मछली शहर तक। तो जो वाराणसी का है वो तो काफ़ी ज़ोरों शोर से काम हो रहा है 4 लेन का। और इस वाले में भी चलकर देखेंगे कि कोई लेटेस्ट अपडेट है कि नहीं। और जैसा कि आप सबको तो पता ही है कि मैं एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, कोई भी ये नहीं कि पुराना वीडियो मैं अपलोड करता हूं चैनल पर, हमेशा एकदम ताज़ा वीडियो मैं बनाकर चैनल पर अपलोड करता हूँ, आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि हाँ देखिए ये कार्य हुआ है, वो कार्य हुआ है, ऐसा हो रहा है। और आप लोग चैनल पर काफ़ी प्यार दिखा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ मैं बस ऐसे ही निरंतर प्रयास करता रहूं, यानी कि प्रयास करता रहूं, अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बनाता रहूं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को देता रहूँ। तो जैसा कि इधर भी देख रहे हैं, इधर पेड़ों की कटाई हुई है तो ये सारा अभी तो यहीं पर है, गया नहीं है। इधर भी सारे पेड़ थे मोटे मोटे नीम के, सब देख रहे हैं पेड़ सारा काट दिया गया है। इस वाले प्रोजेक्ट में जो है वाराणसी टू मछली शहर, ये मछली शहर साइड से ही काम होते हुए आ रहा है इसमें, इसलिए मेरे ख्याल से इधर तो कुछ ज़्यादा काम दिखने वाला नहीं है होते हुए, लेकिन फिर भी चलेंगे देखेंगे कि कोई नया काम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोगों का भी कमेंट आ रहा था कि हाँ भाई रिंग रोड से भदोही साइड का दिखाओ, कोई ताज़ा अपडेट है कि नहीं है, कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना भाई चलकर दिखाया जाए आप लोगों को। तो अभी तो इधर भी कोई नया काम नहीं दिख रहा है। और अभी और आगे चलेंगे और आगे चलकर देखेंगे कि आगे भी कोई काम हुआ है या फिर बस ऐसे ही छूटा हुआ है। क्योंकि जब हम लोग पिछली बार आए थे इधर तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। उसमें क्या था कि इधर लेवल मिलाने का काम हो रहा था, यहाँ से भदोही है 31 किलोमीटर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ लेवल मिलाने का काम हो रहा था, उस समय जो है रोड के दोनों साइड से लेवल मिलाने का काम हो रहा था। रेड मार्किंग तो बहुत पहले की गई है, अब हालांकि मकान तो किसी का टूटना नहीं उतना बहुत ज़्यादा, मछली शहर साइड में ही जो भी तोड़ा जाएगा और भदोही में, और इधर कोई विशेष मकान वगैरह नहीं तोड़ा जाना है। देखिए बदरी हो गया है। और साथियों, मैं आपको बता दूँ कि
जिस रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं ये तो अभी 2 लेन है, अब इसको 4 लेन किया जा रहा है। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये 6 लेन होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड है ये वाराणसी भदोही का ये मुख्य मार्ग है, और इस रोड को पहले स्टेट हाईवे 87 के नाम से जाना जाता था, यानी कि लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है और अब इसे नेशनल हाईवे 731 के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग जनता मार्केट में पहुंचने वाले हैं, और इधर भी पेड़ों की कटाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हो गई है। देख रहे हैं इधर जो रोड किनारे बड़े बड़े पेड़ थे नीम के, आम के और अन्य चीज़ों के, वो सारे काट कर हटा लिए गए हैं। देखिए अभी इधर लगा हुआ है बोर्ड SH-87 का, और अब ये जो रोड ये बनाया जा रहा है ये सारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में बनाया जाएगा, यानी कि NHAI के अंडर में ये रोड अब बनाया जाएगा। और इसका जो टेंडर है ये पंजाब की कंपनी उसको दिया गया है, जिसे कि फंगल इंटरनेशनल कंपनी के नाम से जाना जाता है। सामने है जनता चौराहा, इधर आप तो देख रहे हैं कि दोनों साइड में पेड़ एकदम साफ कर लिए गए हैं काट कर, देख रहे हैं। तो बाएं साइड आप चले जाएंगे भैरवनाथ और रातलाब के लिए, दाहिने साइड आप चले जाएंगे रामेश्वर के लिए, और सीधा भदोही के लिए चले जाएंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे आगे का भी कार्य कि क्या प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट में। इधर भी पेड़ अच्छा सारा काट लिया गया है, अभी पोल शिफ्टिंग का काम इधर अभी नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ पेड़ों की कटाई पे ही ध्यान दिया जा रहा है। इधर देखिए पोल शिफ्टिंग का काम कब होता है, और अगर आप लोग इधर के हैं या फिर इस रोड पर कहीं भी आप लोग रहने वाले हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कि हाँ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, ताकि मैं आकर वीडियो बना सकूं। देखिए आप लोग कमेंट करते तभी पता चलता है कि हाँ कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, नहीं तो वैसे तो कुछ पता भी नहीं चलता है कि कहीं पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख रहे इधर का भी पेड़ जो है वो एकदम साफ कर लिया गया है, देख रहे हैं। पिछले वीडियो में जब लोग आए थे तो इधर सारा लेबल मिलाने का काम हो रहा था। इधर तो ऐसे पेड़ जो था काटा गया है, और लेकिन आगे का भी पेड़ नहीं काटा गया है। रुका इधर भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई नया अपडेट है नहीं, यानी कि जो भी कार्य होते हुए आ रहा है वो मछली सर साइड से होते हुए आ रहा है। और यहाँ पर देखिए जो है लग रहा है कि पेड़ों की कटाई का काम लगने वाला है,
नहीं, यहाँ तो पेड़ों की कटाई का काम नहीं लगा हुआ है, और कोई और काम है। और ये देखिए यहाँ पर ये प्लांट बनाया गया है, यहाँ से मटेरियल तैयार होके जाता है, तो जो रिंग रोड से चांदपुर तक का 4 लेन का प्रोजेक्ट है, ये मटेरियल वहीं पर जाता है, यहीं से ये इसका प्लांट है यहाँ पर, तो यहाँ से तैयार होकर जाता है और वहाँ पर कार्य होता है, क्योंकि उधर प्लांट उसका बना नहीं है, जगह नहीं था बनाने लायक, इस वजह से इसका प्लांट जो है यहाँ पर बनाया गया है। देख रहे हैं इधर जो है मकान तोड़े जाएंगे लोगों के, जो दाहिने साइड पर है। धीरे धीरे लोग अपना इधर टीन सेट वगैरह हटा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हटाना ही है, तो उससे अच्छा है कि अपना पहले ही हटा लें, बाद में समस्या होगा। देखिए एक भैया जी का घर यहीं आसपास में कहीं है, पिछले वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था कि ये जो पानी टंकी है इसी के आसपास में है उनका घर। जयपुर, मुझे उनका नाम तो नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था और कमेंट में उन्होंने बोला था कि अब जो थंबनेल में लगाए हैं एक जल निगम का पानी टंकी वाला, वहीं पे मेरा घर है। इधर तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई काम हुआ है, तो देखिए वीडियो लंबा ना हो, और आगे का मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए मार्केट है, मार्केट में देख लेते हैं पहले कि कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि कोई कार्य हुआ भी नहीं है इधर, तो लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। देख रहे इधर अभी मार्केट में कोई भी कार्य नहीं हुआ है एकदम से भी, और अभी ये जो मार्केट है अभी हम लोग जो है मार्केट से आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या काम हुआ है। और जैसा कि ये जो मार्केट है बड़ौड़ा मार्केट है, यानी कि जब आप जनसा मार्केट से आगे बढ़ेंगे तो जनसा के बाद यही एक मार्केट है, यही एक मार्केट ही, मतलब आगे कई सारे मार्केट है, लेकिन जब आप जनसा से भदोही की साइड बढ़ेंगे तो बीच में ही मार्केट पड़ता है, जैसे कि बड़ौरा बाजार के नाम से जाना जाता है, और जयपुर। देख रहे हैं इधर भी तो पेड़ साफ किया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ नहीं था, पेड़ था लेकिन काट कर हटा लिया गया है। जो पिछला वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा, और जो इधर से आते जाते उन्हें तो पता ही होगा क्या इधर की क्या स्थिति थी, पेड़ था कि नहीं था। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड के लिए ला पा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।